नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि एक और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी योग दिवस के उपलक्ष्य पर टीवी पर लाइव आकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो लोग करेंगे योग वो रहेंगे निरंतर निरोग। उसी प्रेरणा से आज जिला अनूपपुर के बिजूरी नगर वार्ड क्रमांक 2 रावण दहन ग्राउंड के लोग भी योग दिवस के उपलक्ष्य पर योग किया, जिसमें योग करने वाली समिति ओम शांति और योग के गुरु स्वामी बाबा रामदेव जी के शिष्य भी शामिल हुए और ओम शांति से योग सिखाने वाले सुरेंद्र मिश्रा व उनके सहयोगी सरोज पटेल जी व पतंजलि से श्री राम सुमिरन पटेल जी, जैसे कि निखिल सैनी ने बताया कि योग शरीर के लिए बहुत ही बड़ा औषधि है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है और पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी होती है, मन शांत रहता है, किसी प्रकार का विचलित नहीं होता और दूसरे और लोगों का मन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ ले जाते हुए बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन योग करते हैं तो क्यों ना हम भी योग करें। इस प्रकार प्रेरणा देते हुए दूसरी ओर धीरज विश्वकर्मा जी ने कहा है कि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। सभी लोगों को प्रतिदिन योगा करना चाहिए, इससे मन प्रसन्न रहता है व शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ योग दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त बिजूरी नगर के लोग उपस्थित हुए। बताया है कि हमने प्रतिदिन योग करते हैं, तो आज योग दिवस में आपका क्या कहना है? योग दिवस में सभी को योगा करना है। 21 जून है आज, सभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरा अपना विश्व योग कर रहा है। योग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं, दवाई की ज़रूरत नहीं। सुबह अपना 5 बजे आइए, अपना काम भी करिए, योगा का टाइम निकालिए। योग से सभी बीमारियां दूरी होती है, कोई ऐसा वो नहीं है, टाइम निकालने से होता है। हम भी कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं। क्या अभी तक जो योग दिवस चला और किसी सरकार ने भी नहीं सोची कि योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाना चाहिए और अपने जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी भारत के वो योग दिवस यदि 21 जून को करें, तो आपका क्या कहना है योग दिवस के ऊपर? क्या ये सही है कि जो योग दिवस मनाए और इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि सभी लोग योग करें? विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सभी को करना चाहिए, छोटे बड़े सभी। नहीं तो मोदी जी योग दिवस मना रहे हैं, तो आपको इसमें क्या कहना है मोदी जी को? मोदी जी को धन्यवाद देना है, मोदी जी करवा रहे हैं, ठीक है, सभी को करना है। चलिए ठीक है, तो सभी महिलाएं सभी साथ में हैं? हाँ, सभी महिलाएं साथ में इकट्ठे हुए। ओम शांति से जो ओम मणि जी हैं, उनका आप योग यहाँ सिखाते हैं लोगों को, तो आपका इसमें क्या संदेश है? इसमें संदेश है, जिस तरह शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे ये भी योगा जरूरी है, जिससे हम शरीर को फिट रखें, है ना। जब शरीर फिट रहेगा तो मेरा मन फिट रहेगा, मेरा तन फिट रहेगा, मेरा जीवन फिट रहेगा। इस योगा से हमें तीनों फिट रखना है, जिससे हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रख सकें। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर तनाव होता है और हम किसी के बारे में नहीं सोच पाते, इसलिए हमें योगा भोजन जैसे नित्य जरूरी है, ऐसे योगा भी जरूरी है। सुबह सुबह योगा, ऑक्सीजन हमें शुद्ध मिलती, जिससे हमारे शरीर की बीमारियाँ शरीर से बाहर होती है, है ना। तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी योगा को अपना धर्म के रूप में अपनाएं और योगा को इस शरीर का धर्म है, शरीर को फिट रखने के साथ साथ मन फिट रहेगा और हम सब की जो बुराइयाँ हैं इस योगा से बुराइयाँ भी दूर होंगी, क्योंकि हमें बुराइयाँ भी हमको दुख देती हैं, इसलिए हमको भोजन के साथ इसको जोड़ना, जैसे भोजन का मेरा टाइमिंग है ऐसे मेरा योगा का टाइमिंग होना चाहिए, बड़े अच्छे उल्लास उत्साह के साथ और बढ़िया ढंग से सबको करना चाहिए। को योग दिवस की बधाई, और आज भर नहीं हमें नित्य करना चाहिए ये एक दिवस, तो ठीक है, एक पहचान है, लोगों की स्मृति दिलाने का है कि हमें इसको नित्य करना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ना। ठीक है।